एक अज्ञानी और एक साधारण मनुष्य का अंतकरण है उसमें कभी तो लहर आसुरी स्वभाव की आ जाती है और कभी कभी ये है उसके अंदर कुछ दान तप यज्ञ की भी आ जाती है। लेकिन प्रामिनेंस किसका रहता है ऐसी कोई दो कैटेगरी नहीं है कि दूर से देखो और तुम समझ जाओ कि ये असुर है और ये देवी संपदा वाला इंसान है आपके अंतकरण में अलग अलग समय पर ये लहरें उठती हैं पर याद रहे जब क्रोध उठता है तब असुर होते हो तुम और जो असुर है उसके लिए कृष्ण कहते वो अधोगति में गिरता जब जब तुम्हारे ही मन में कामना जगती है काम वासना जगती है जब जब तुम्हारे मन में लोभ जगता है तब तब तुम ही असुर हो जाता हो देखिए ये बड़ा आसान है कहना कि हम तो ये नहीं है लेकिन इस श्लोक से ये बात बड़ी स्पष्ट हो रही है कि जब जब आपके चित्त में काम या लोग या क्रोध इन तीनों में से एक भी चीज जग रही है तो जानिए उस समय आपका अंतकरण आसुरी स्वभाव का हुआ तो तुम असुर ही हो उस समय ऐसा मत मानिए कि तुम हमेशा ही मनुष्य से ही रहते हो मनुष्य उसी को ही कहते हैं जिसके अंतःकरण में अलग अलग रंग आते रहते हैं और जाते रहते चित्त में ठहराव नहीं है एक क्षण को लाखों रुपया दान दे देता है और एक क्षण बाद उसके अंदर लोभ जगा तो पांच रुपए के लिए लड़ रहा होता है पांच रुपए कम करो एक सज्जन ने मुझे एक बार पूछा कहने लगे कि मैं कौन सी ध्यान की टेप लू बहुत सारी हैं कि सर्ट तो कौन सी लू तो आप जो कह दो वही लेता मैंने कहा आप एक ही क्यों लेना चाहते आप एक ही क्यों लेना चाहते उसके पास उत्तर नहीं था पर मैं समझ रही थी उसको वो महंगी लग रही है तो कोई एक बता दो कोई एक बता दो पूछने वाला गरीब नहीं है पूछने वाला धन से कमजोर भी नहीं है और फिर भी पूछ रहा है कोई एक बता दो हालांकि तो ऐसा आदमी एक लेके जाए कि सारी उठा के ले जाए उसको लाभ तो कुछ भी नहीं होना उसमें से पर फिर भी हम मनुष्य की इन संभावनाओं से इनकार नहीं करते हैं कि जिस मनुष्य में आज लोभ या दंभ है उसी मनुष्य के अंतकरण में एक करवट आए तो देवी संपदा भी आ सकती इसलिए नीच से नीच कर्म करने वाले के प्रति भी आपके चित्त में द्वेष नहीं होना चाहिए बिकॉज यू नेवर नो वेन दैट ट्रांसफॉर्मिंग मोमेंट में कम आज कोई अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है तो उस पर आप भी उससे द्वेष करो अपने आप को धर्मात्मा समझ रहे हो और दूसरे से द्वेष कर रहे हो तो तुम कौन से असुर कम हुए फिर द्वेष क्रोध लोभ दंभ, ये आसुरी गुण है तो किसी भी स्थिति में साधक को अपने चित्त में ये आने नहीं देना चाहिए इसलिए डोंट क्रिएट रीजंस to bring up anger in you, to bring up lust in you, to bring out greed in you. मैं फिर कह दूं, दूध सिर्फ धनी का नहीं होता लोग और भी बहुत सी चीजों में है जो थोड़े से सूक्ष्म होते हैं लेकिन है वो भी लोग जैसे मैं ही सबसे आगे रहूं, आप देखिए घर में कोई समारोह हो, कोई शादी कुछ भी फंक्शन हो कुछ लोगों की आदत होती दूसरों को पछाड़ के आगे घुस जाएंगे चौधरी बन जाएंगे मेरी सुनो मेरे को पूछो और नहीं पूछो तो वो गुस्सा हो जाते ऐसे ही कभी कभी सत्संग में भी और कभी कभी शिविर में भी ऐसे लोग आ जाते हैं वो कहते मैं ही आगे बैठूंगा कोई बैठे तो सही ऋषिकेश में अक्सर मैंने देखा क्योंकि वो पंडाल है खुला तो लोग अपने अपने ना आसन परमानेंट छोड़ जाते ये मेरी है तो गंगा जी से लड़ते हुए मेरी नजर गई और वो सबके आसन बिछे पड़े मैं आसन क्या मतलब बोले वो, वो लोग पक्का छोड़ देते मैं एक काम करो सब उठाओ और गायब कर दो ये क्या मतलब हुआ ये भी लोभ है दम किसको कहते हैं एक सज्जन कहने लगे कि आश्रम में अमुक चीज होनी चाहिए इतने लोग आते हैं तो उनकी सुविधा में सबके लिए अच्छा रहेगा होनी चाहिए तो मेरा ऐसा है तो मैं अपने मित्रों के संग मिलकर कुछ धन एकत्रित करके ये काम मैं यहाँ कराना चाहता हूँ तो कराऊँ तो जो आश्रम के संचालक हैं उन्होंने कहा कि बड़ी खुशी है हमें अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका अपना स्थान है आपको ऐसा भाव आया है तो जरूर पूरा कीजिए तो एक दूसरे सज्जन खड़े ऑफिस में ये बात सुनते कहते लोग तो मुझे बताओ ना सारा मैं ही कर देता हूं तुम दूसरे मित्रों से क्यों इकट्ठा कर रहे हमें हो हमें कहो ना हमें कहो हम करेंगे वो आदमी करेगा कि नहीं करेगा पर जो इस तरह बोलता है वो निश्चित इस योग्य नहीं है और जगह का तो मुझे पता नहीं लेकिन कम से कम हमारे इस स्थान पर ऐसे दम भी और घमंडी व्यक्तियों की सेवाओं को इनकार कर दिया जाता है कि आपका यह धन यहां का योग्य नहीं इसको कहीं और खर्च कीजिए ले जाइए घमंड क्रोध की लहर जब जब आपके अंतःकरण में उठती है उस समय आप भी असुर ही हो जाते हैं और एक दफे दैवी संपदा आई तो फिर जाएगी नहीं ये एक बड़ी परिपक्व अवस्था में जाके होता है अन्यथा साधक काल में या शुरू शुरू में अध्यात्म में जो कोई अपने पैर बढ़ाते हैं तो यही होता है भी कुछ घंटे को तो देवी संपदा हो गई फिर असुर हो गए फिर दैवी हो गई फिर असुर हो गए और फिर कभी खाली मनुष्य रह गए दोनों ही चीजें नहीं ना क्रोध का ख्याल आता है न करुणा का ख्याल आता है ऐसे को हम मनुष्य कहेंगे जिसमें करुणा का भाव जगे वो देवता है और जिसके अंदर क्रोध का भाव जगे से असुर है अब आप अपना मन देखिए ना कभी आपको अचानक से किसी बंदे पे बड़ा प्यार आ जाता है और कभी किसी बात पर उससे इतनी नाराजगी हो जाती है कि तुम उसके ना साथ अगले पिछले सब हिसाब भी अब करना चाहते हो करो मेरे साथ बैठो तो जाते कहा और यही काम और क्रोध और लोभ जो है यही मनुष्य के तीन नरक हैं जो क्रोधी इंसान है उसको किसी और नरक की जरूरत हो ना है वो पहले ही जल रहा जो ईर्षा में तड़पता है जो लोभ में तड़पता है जो अहंकार में तड़पता है ऐसे मनुष्यों के लिए किसी और जहन्नुम की जरूरत नहीं दे हैव ऑलरेडी क्रिएटेड वन इन देर हार्ट इन देर माइंड एंड आर सफरिंग विन दैट भगवान कहते हैं एक ही विमुक्त कम तेय तमोद्वारि नर आचरती आत्मन श्रेय तथा याति ती हे अर्जुन इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त हुआ पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है इससे वह परम गति को जाता है अर्थात मेरे को प्राप्त होता है अपना उद्धार कैसे करे जब आप गुरु और शास्त्र की आज्ञा अनुसार चलते हैं और देवी संपदा को अंदर लाने के लिए चेष्टारत रहते हैं जब आप उठते बैठते प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम अपने जीवन को सतमार्ग पर लगाना चाहते हैं हमसे भूल चूक हो सकती है कृपया आप शक्ति दें आप हमें इस पथ पर ठीक से चलने की अकल दें बुद्धि दें ये ना हो कहीं के हम फिर से अपने कामनाओं और क्रोध के इस नरक में गिर जाए संभावना पूरी है देखिए जल को गिरना सहज है पर जल को ऊंचा उठाना मुश्किल है चौथे छठे दसवें मंजिल तक जल ले जाना हो तो बूस्टर पंप लगाते हो तुम तो। और अगर टैंक का नल खुला रह गया तो पानी को नीचे लाने के लिए किसी बूस्टर पंप की जरूरत नहीं होगी जल अपने आप बहता हुआ नीचे आ जाता है इसी तरह से दैवी संपदा क्या है अपने आप को ऊंचा उठाना तो निश्चित उसमें कुछ एफर्ट तो लगेगा कुछ उसमें एफर्ट तो लगेगा इट वोट हैपन एफर्टलेसली लेकिन नीचे गिरने में उत कोई देर नहीं लगती बिल्कुल देर नहीं लगती माउन रखा था एक संत ने तीन महीने मौन रखेंगे कोई अढ़ाई महीने हो चुके थे एक माई आके कहती है महाराज मौन कब खुलेगा बोल के कहते बस पंद्रह दिन रह गए बस पंद्रह ही दिन रह गए और वो माई भी ऐसी बेहोश उसको पता नहीं चला कि महात्मा ने बोल के जवाब दिया है। बेहोशी की भी कोई है। सीमा थोड़े ना है परमात्मा को तो सुधी आ गई कि ये मैंने क्या किया और उसके बाद वो फिर मौन रहे तो महिला को दो एक बार शक तो हुआ कि इन्होंने बोल के जवाब दिया मुझे पर फिर लगा नहीं नहीं इनका तो अभी भी मौन चल रहा काष्ट मौन थोड़े ना था आ हो गई गलती तो हो गई तो वापस फिर से मौन शुरू कर लिया यहाँ कोई आ, बेंच पे थोड़ी खड़ा कर देगा गुरु की तेरा मौन टूटा खड़ा हो जा बेंच पे टूट गया सो टूट गया उन्होंने फिर वापस शुरू कर लिया पर बेहोशी का तल कितना गहरा है ये उन्होंने अपने स्व अनुभव से कहा कि ढाई महीने से मैं चुप था ढाई महीने से मैं बोला नहीं और ये एक माता आई और मेरा कौन सा ऐसा बेहोशी का क्षण आया कि मैं बोल गया भगवान कहते हैं यह शास्त्र विधिम उत्सृज वर्तते काम कारत न सा न सुखम न पराम जो पुरुष शास्त्र की विधि को त्याग के अपनी इच्छा से वर्तता है वह न तो सिद्धि को प्राप्त होता है न परम गति को प्राप्त होता है न ही सुख को प्राप्त होता है शास्त्र किसको कहते हैं? शास्त्र का अर्थ है वह वचन जो किसी एक महात्मा ने अपने जीवन के निचोड़ अनुभवों के निचोड़ के बाद कुछ सूत्र निकाले हैं कि जिंदगी में श्रेष्ठ कुछ प्राप्त करना है तो ये करो और अपने आप को गलतियों से बचाना है तो ये करो और अगर तुम गलती कर गए तो तुम्हारा ये असर होगा शास्त्र क्या है इट इज लाइक अ गाइडलाइन और शास्त्र को समझना पढ़ना पुनः पुनः ये साधक के लिए बहुत श्रेष्ठ होता तो किसी न किसी पुस्तक का किसी जागृत व्यक्ति की पुस्तक हो किसी न किसी शास्त्र का अध्ययन करना बहुत अच्छा होता है इट कीप्स ऑन रिमाइंडिंग यू इट कीप्स ऑन रिमाइंडिंग यू और मेरी दृष्टि में पुस्तक मनुष्य का सबसे प्रियतर और निकटतम मित्र हो सकता है जैसे एक स्त्री अपने जेवरों को बहुत चाव से खरीदती है और बहुत चाव से रखती है और बहुत चाव से पहनती है ठीक इसी तरह से साधक अपने शास्त्र को शास्त्रों को बहुत प्यार से लेता भी है बहुत प्यार से रखता भी है और जेवर की ही तरह बहुत प्यार से उसे धारण भी करता है तो बिना आभूषण के जैसे महिला घर से बाहर नहीं निकलती है ऐसे ही जब तुम व्यवहार में उतरने लगो तो किसी एक सूत्र के आभूषण को पहन लिया करो किसी एक सूत्र को बस उठाया और पहन लिया शास्त्र अध्ययन निश्चित रूप से हमें उन महामानवों की जीवन यात्रा के विषय में जागृत करता है हमें समझाता है और उनके जब जीवन को हम पढ़ते हैं तो बड़ी प्रेरणा आती बड़ी प्रेरणा आती और ऐसी अद्भुत सुंदर गाथाएं हैं कि पढ़ते पढ़ते तुम कहीं और ही पहुंच जाते हो। तुम शायद उस काल में ही चले जाते हो जिस काल में उस महापुरुष के साथ वो घटना घटी थी जब उसके जीवन में वो साधनात्मक पल आए थे जब उसकी गुरु से भेंट हुई थी जब उसने पहली समाधि पाई थी जब उसको पहला रोमांच हुआ था जब पहला उसको आनंद का नृत्य हुआ था अब ऐसी कथाओं और कहानियों को ऐसे शास्त्रों को पढ़ने से हमारे को बहुत प्रेरणा मिलती अधिकतर लोगों को मैंने देखा है उन्हें पढ़ने का कोई शौक नहीं होता चाव नहीं होता ठीक है टेलीविज़न की एक सुविधा है आपने सुन लिया लेकिन ये भी तो फिर है ना कि टेलीविज़न का प्रोग्राम आधे घंटे आया और रही बात सीडी डीवीडी की उसके लिए फिर आपको कोई ना कोई उपकरण चाहिए डीवीडी प्लेयर सीडी प्लेयर और फिर बिजली भी चाहिए तो ही उसको चला पाओगे लेकिन पुस्तक में ना बिजली की जरूरत है ना उपकरण की जरूरत है कहीं भी खोलो कहीं भी पढ़ो और दो चार सूत्रों को लिया और उस पर अध्ययन किया चिंतनशील व्यक्तियों के लिए शास्त्र एक बहुत बड़ा उपकार करने वाला साधन होता है यह आपकी बड़ी मदद करता तो ऐसे सदग्रंथों के साथ प्रीति होनी ही चाहिए साधक को बिल्कुल होगी ही क्योंकि उसे ये पता है कि कौन सा ऐसा नया कुछ किस्सा कौन सी ऐसी नई कहानी न जाने कौन सा ऐसा कोई श्लोक वो उसकी आंखों के सामने आएगा जो उसके अंतर तक कुछ हिलजुल कर जाएगा लोगों के घरों में अखबारें चार चार आती हैं मैगजीन दस आते हैं लेकिन उनके घर में ढंग की पुस्तक पढ़ने को एक नहीं होगी पुस्तकों का आजकल जो रिवाज है वो आध्यात्मिक uh, पुस्तकों का कम है पर अधिकतर कोई फिक्शन पढ़ रहा है कोई थ्रिलर पढ़ रहा है कोई रोमांटिक नावल पढ़ रहा है कोई इकोनॉमिक्स के ऊपर लिखी पुस्तकों को पढ़ रहा है खैर उनकी एक अपनी जगह है पर साधक को क्या पढ़ना चाहिए सी दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट अभी आप ऐसे पक्के तो हो नहीं गए हो कि पक्का और परमानेंट ध्यानस्थ तुम रहोगे या परमानेंट तुम अपने में रहोगे मन की वृत्तियां बार बार नीचे नीचे ऊपर होती रहती है आसुरी गुण आ जाते हैं व्यवहार का प्रभाव भी आ जाता है जिन लोगों के साथ आप बैठते हो उनका असर भी तुम पे आ जाता है तो जाने कहां-कहां की धूल तुम्हारे मन पे चढ़ जाती है तो ऐसे में अच्छी पुस्तक जो है ये आपका बड़ा साथ देती है मैं फिर कह रही हूं किसी जागृत व्यक्ति की पुस्तक होनी चाहिए uh, जो आजकल क्विक फिक्स एनलाइटमेंट बुक्स आ गई ना सेवन स्टेप्स टू एनलाइटनमेंट सेवन स्टेप्स एंड दीज सेवन स्टेप्स कैन बी रेड इन हाफ एन आवर सो इन हाफ एन आवर यू गेट एनलाइट बुक्स आ रही है द चिकन सूप ऑफ द सोल पूरी सीरीज है ये किताब का नाम देखिए नहीं कैसा है ये और आजकल फिर न्यू गुरुज भी बहुत सारे हो रखे हैं नए नए गुरु दो चार महीने या दो चार साल किसी गुरु के साथ बिता लिए और उसके बाद से वो अपने आप को भी गुरु घोषित कर देते हैं तो ऐसे कई व्यक्तियों की भी बहुत सी पुस्तकें हैं थोड़ी अकल होनी चाहिए क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना क्योंकि माइंड टेंड्स बिलीव वट एवर इट रीड समाइम्स सो यू आर गोइंग टू रीड शुड बी शास्त्र तो so कुछ और ना मिलता हो तो भगवत गीता तो है कुछ और ना मिलता हो तो उपनिषदें तो हैं कुछ और ना मिलता हो तो तो बाणी तो है कुछ और समझ ना आती हो मान लीजिए बाणी की तो बहुत सारे संतों ने टीकाएं करी हैं उन टीकाओं को पढ़ो बट यू शुड रीड ये किसके लिए मैं कह रही हूं जो अभी कच्चे हैं जिनका मन परिपक्व हो गया है पढ़ने में आनंद उनको भी है लेकिन फर्क हो जाता है नया है तो वो पूरा पूरा पढ़ता है कई इतना लंबा लंबा पढ़ता है फिर धीरे धीरे जैसे जैसे अंदर साधना पकती जाती है तो फिर एक पन्ना पढ़ता है और पढ़ते पढ़ते ही ध्यानस्थ हो जाता है फिर पुस्तक वहीं रह जाती है और वो खुद खो जाता है तो अब पढ़ना आनंद होता जा रहा है पहले पढ़ना सीखने के लिए फिर पढ़ना स्व आनंद के लिए और एक पढ़ना होता है मनन के लिए और एक पढ़ना होता है कि बस पत्र खोला पन्ना खोला एक लाइन पढ़ी और इतने में काम हो गया तो आपकी स्थिति में है तो उस अनुसार आपकी गति होगी शास्त्र पढ़ने की कई लोग पढ़ने के लिए पढ़ते मैंने ये भी पढ़ लिया ये भी पढ़ लिया ये भी पढ़ लिया ये भी पढ़ लिया ये पढ़ना तो जानकारियाँ इकट्ठा करना है और फिर जानकारियों का अभिमान करना है और जब इतनी जानकारियाँ इकट्ठी कर लोगे तो फिर चुप तो बैठ नहीं सकोगे फिर इधर उधर लोगों को उपदेश कराओगे और कोई मूर्ख जो तुम्हारे चेले बन जाएंगे बोले आप तो इतनी अच्छी बात करते हो तो आप हम एक हॉल बुक कराते हैं आप वहाँ बैठो कोई और मूर्ख आ जाएगा बोले हम पोस्टर लगाते हैं चलो कोई एक और मूर्ख आ जाएगा वो कहेगा हम तो नहीं वीडियो रिकॉर्ड करके ना चैनल में भेजते हैं आपके तो विचार बड़े अच्छे हैं और इस तरह से एक कच्चा चेला एक कच्चा गुरु बन जाता है तो ऐसे गुरुओं की भी बड़ी भरमार मनुष्य की बुद्धि विमोहित होने को तैयार बैठी है कभी किसी कारण से और कभी किसी कारण से विमोहित हो जाती भगवान कह रहे हैं तस्मात शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थित ज्ञावा शास्त्रविदो नोक्तम कर्म कर्तुम इहि इहरसी इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र प्रमाण है ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्मों को करने के योग्य होता है क्या करना क्या नहीं करना पुलिस well, में शास्त्र तुम्हारी मदद करेगा तुम्हारी सहायता करेगा और शास्त्र प्रमाण है इट वर्क्स लाइक एन एविडेंस इट वर्क्स लाइक अ पैरामीटर एंड देन इट हेल्प्स यू टू सी वेर यू स्टैंड ये आपकी मदद करता है जैसे पिछले अध्यायों में हमने पढ़ा कि जो आदमी अतीत हुआ जो मनुष्य इन रजतम सत गुण के प्रभावों से बाहर गया उसके क्या लक्षण होते हैं अब मान लीजिए कुछ दिन सुबह ध्यान किया कुछ दिन सुबह जप किया कुछ दिन थोड़ी सेवा की और इतने में तुम्हें लग गया भाई मैं तो निष्काम योगी हो गया अच्छी बात है जरा गीता और पढ़िए निष्काम योग का अध्याय और चेक करिए जो वहाँ सिम्टम दिए वो तुम्हें हैं और अगर नहीं है तो जानो अभी दिल्ली दूर है अभी यह टेढ़ी खीर है ऐसे ही इसका स्वाद नहीं आने वाला तो शास्त्र को श्री भगवान कह रहे हैं यह हमारे लिए प्रमाण का काम करते हैं। देखिए हम समस्त ऋषियों और गुरुओं का बड़ा आदर करते हैं उनका सत्कार करते हैं मैं पर फिर कह दूं गुरु अच्छा भी हो सकता है गुरु घंटाल भी हो सकता है क्या मालूम और हर गुरु अपने आप को प्रमाणित ही तो साबित करता है तो श्री कृष्ण एक तरह से ये इशारा दे रहे हैं कि कभी ऐसी कोई प्रद स्थिति हो तुम्हारे आसपास, तो शास्त्र की शरण में चले जाना और वहां से तुम्हें दिख जाएगा जैसे इलाहाबाद में एक महिला हमसे पूछती है कहती जी मेरे यहाँ एक महाराज थे वो आए और कुछ दिन से हम लोग उनके पास जाते आते थे उनके सत्संग में तो एक दिन उनको हमने घर बुलाया फिर फिर दोबारा आए, आए फिर आए फिर आए फिर आए फिर हमने कहा अच्छा अब जब भी आए तो हमारे ही घर रुके बोले वो हमारे घर रुक गए बोले कई दिन हो गए थे उन्हें ठहरे हुए और एक दिन कहते हैं कि बेटी ऐसा करो आज ना मीट पका लो वो हमें तो चक्कर में पड़ गई कहती उल्टे हम लोग खाते थे और वो सब छोड़ दिए कि भाई अच्छा नहीं होता है और बोले ये हमको कह रहे पका दियो बोले हम तो बड़े चक्कर में पड़ गए क्या करें ये तो महाराज ने हुक्म दिया है ऐसे ही एक और महिला मिली ये कभी कभी सही में लगता है कि पनी अकल क्यों इतनी कम लगाती हैं ये और तैयार ही है विश्वास करने को कि क्या चक्कर क्या है कि बुद्धि की कमी है कि बुद्धि की एप्लीकेशन नहीं करती एक और महिला आई वो कहती है अभी महिला है जब वो कन्या थी वो तब की बात बता रही बोली हमारे पास में एक बाबा रहते थे हम उनके यहाँ आते जाते थे और एक दिन उन्होंने जबरन मेरे से शारीरिक संबंध बनाया और उसके बाद कहा कि देखो अगर तुमने किसी को बताया तो हम श्राप दे तुम्हारे पूरे परिवार को मार देंगे कि बोली तो उसके बाद सालों ये क्रम चलता रहा चार तीन चार बार मेरा गर्भपात उन्होंने ही करवाया और ये क्रम चलता रहा और फिर छः साल बाद जाके मैंने अपनी माँ को बताया तो माँ वो बाबा से डर डरा के वो शहर छोड़ के हम लोग कहीं दूर प्रदेश ही छोड़ दिया हम लोग वहां चले गए तो बोली मैं ना अपने अंदर में ये एक बड़ी ग्लानी और ग्रंथी लेके बैठी हूँ इस चक्कर में मेरे से कुछ नहीं होता है अब बताओ इनकी अकल को क्या है तो यहां शास्त्र प्रमाण का काम करता शास्त्र कह रहा है सित प्रज्ञ एक संत एक ध्यान योगी का लक्षण क्या है कि वो अपने काम वासना का दास नहीं होगा वो अपनी जीभा का दास नहीं होगा तो थोड़ी तो लड़ा लड़ाऊ ना किसी को भी महाराज समझ लेते हो जिसने पहना लंबा चोला वही महाराज लगने लग जाता है और जिसने अपने बाल कर लिए लंबे और छोड़ दिए पीछे खुले और गले में दो चार किस्म की माला पहन ले तो बस वही महात्मा जी लगने लग जाते हैं वहां शास्त्र प्रमाण और शास्त्र में और विशेषतः भगवत गीता में देखिए ना कितने स्पष्ट लक्षण दिए हैं योगी किसको कहते हैं ज्ञानी किसको कहते हैं उसके लक्षण क्या होते हैं अदम्बम अमानित्वम शौचम क्षमा करुणा शुचौ, ये सब गुण दिए